और मैं आप सब लोगों के लिए लेके हाजिर हो चुका हूँ आपका ब्रांड न्यू कोर्स जो कि हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, पॉलिटी एंड इंडियन गवर्नेंस को। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पूरी तरीके से ओवरव्यू दे चुका था कि कैसे कैसे हम अपने पूरे जनरल अवेयरनेस सेक्शन को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आपके करंट अफेयर्स वगैरह को एक क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में डेवलप करके सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कंपाइल करके जितनी चीज़ों की हमें ज़रूरत है एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, जितनी भी चीज़ों की हमें आवश्यकता है हम उसको कवर करने वाले हैं। सो आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अपने पॉलिटी का सेक्शन। तो पॉलिटी के सेक्शन में हम आज सारी चीज़ों को कवर करके स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहीं से शुरुआत होती है एक तरीके से पॉलिटी का जो आपका सेक्शन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे है, कहाँ से इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स वगैरह क्या है, पूरा टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे। उसके साथ साथ नंबर ऑफ लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज को भी देखेंगे, जो आपके मॉडल क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे जो आ चुके हैं, पूरे अच्छे तरीके से पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे बना, क्या हुआ, इसके पीछे की एक बहुत लंबी कहानी है। उतना हमें ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक्स हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा देश आजाद हुआ तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने क्या है कि एक ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक सेट ऑफ लॉ हो या एक ऐसा स्ट्रक्चर हो, एक ऐसा हमारे पास कोई, जैसे होता नहीं कि किसी घर को चलाने की अगर जरूरत पड़ती है तो उसका भी एक रूल्स रेगुलेशन, एक नियम कानून होता है। तो उसी तरीके से अगर अब देश को, देश तो आजाद हो गया हमारा, चलिए हम आजादी पा लिए, हमें ब्रिटिश से आजादी मिल गई, लेकिन किस आधार पे, किस स्ट्रक्चर पे, कौन कौन से नियम होंगे, कौन से कानून होंगे, कोई कुछ गलती करेगा तो उसको कौन सी सजा मिलेगी, कौन किस तरीके से, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे होगा, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम कैसे होगा, इन सबके लिए स्ट्रक्चर की तो हमें जरूरत पड़ेगी या किसी एक नियम की जरूरत पड़ेगी। तो है नहीं, सब हवा हवाई चलेगा, जो कह दिया वही मान लिया गया। तो उस चीज की सबसे बड़ी जरूरत थी। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर फादर्स थे, जो हमारे नेता गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, जो हमें फ्रीडम फाइटर, जो हमें आजादी दिलाए, जो हमारे सबसे बड़े लीडर्स थे, तो उन्होंने भाई एक सबसे बड़ी चीज, कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ की एक बुक होनी चाहिए, एक सिस्टमेटिक बुक होनी चाहिए जिसके थ्रू हम क्या कर सके, अपने कानून को, अपने देश को अच्छे तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में चला सके। तो बात तो ऑब्वियस सी बात, तो फिर आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ऐसी किताब है, एक ऐसी संरचना की जरूरत पड़ेगी जिसके आधार पे हम अपने देश को एक नेशन बिल्डिंग, जो एक सबसे बड़ी जो हमारे सामने चुनौती थी, टू बिल्ड द नेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो ये सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा एक तरीके से चैलेंज था, या हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था। तो ये चीज सामने आई, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने की शुरुआत हुई। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली बनाई गई, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहा जाता है। उसकी शुरुआत कब हुई, 19 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गई तो अब कैसे क्या बनाना है, उसके लिए डिस्कशन करना, उस असेंबली में सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हुआ करते थे, सब आके डिस्कस करते थे कि कैसे कैसे क्या क्या सारी चीजों को हम आगे इसमें इंसर्ट करेंगे, अच्छी अच्छी बातों को जानने जानने के लिए चर्चा होती थी कि कैसे कानून होगा, कैसे स्ट्रक्चर होगा, सरकार का कैसे चलेगा, किस हिसाब से चलेगी, जुडिशरी का कॉन्सेप्ट आया, सारी चीजों को उसमें इंसर्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, जिसका कई सारी कमेटीज बनी, उस कमेटीज में ड्राफ्टिंग कमेटी और डिफरेंट टाइप्स की कमेटीज बनाई गई जिनका अलग अलग काम था, अलग अलग मुद्दों पे एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। आपके बाबा साहब अंबेडकर को उसका एक अध्यक्ष बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का, उसके साथ, उनके साथ 5-6 लोग थे, तो सबने मिलकर काम किया। पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया, अंबेडकर साहब ने पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, उसमें से जो अच्छी अच्छी चीजें रही उन्होंने निकाली। फिर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश हमारे यहाँ थी शुरू से लेके, जब आपका स्टार्टिंग हुआ 1600 में ब्रिटिश हमारे यहाँ आए, उसके बाद वो धीरे धीरे ट्रेडिंग पर्पज से तो आए थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे यहाँ पैर जमाना स्टार्ट कर दिए। फिर हमने देखा, इतिहास में पढ़े हैं हम, कि पूरी तरीके जो ट्रेडिंग कंपनी हुआ करती थी वो धीरे धीरे हमारे यहाँ राज करने लगी, और पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव और आपका
कॉन्स्टिट्यूशनल पर्पस से पूरी तरीके से यहाँ पे राज करने लगे, कॉमर्शियली और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से। फिर वो कानून वहाँ से ब्रिटिश पार्लियामेंट से कानून बन के आते थे, वो यहाँ पे लागू होते थे। तो ईच एंड एवरीथिंग को, सारी चीज़ों को पूरी तरीके से कंपाइल करके, जो जो चीज़ें काम की चीज की थी उसको पूरा, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपके मेकर्स थे उनको सारी चीज़ को कंपाइल करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसको पूरा करने में पूरी तरीके से 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा, लगभग 3 साल में बन के तैयार हुआ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद उसी के आधार पे ही आज हमारे पूरे देश का कानून चल रहा है, हर एक चीज, ठीक है ना। तो कानून, कॉन्स्टिट्यूशन जानने से पहले कैसे बना, क्या हुआ, तो उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है, कौन कौन से आर्टिकल से, जो जो आर्टिकल लिए गए, कौन किस किस चार्टर से, किस किस एक्ट से, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही थी वहां से लिया गया, दुनिया के अदर संविधान से लिए गए। तो ये सब चीजें हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखने की कोशिश करेंगे भैया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक तरीके से शब्दों में देखें, एक डेफिनेशन के फॉर्म में देखें, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ लॉ, साफ साफ लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट ऑफ लॉ एंड रूल्स दैट सेट अप द मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी पूरी तरीके से गवर्नमेंट किस हिसाब से, किस ढांचे पे, किस स्ट्रक्चर पे चलेगी, एक सेट ऑफ लॉ क्रिएट करके रखा जाए ताकि उसी के हिसाब से चले, कोई अपनी मनमानी ना कर सके, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज कर दे, या कोई किसी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीनने की कोशिश करे, उसको बोलने से मना करे, तो उसी का एक प्रावधान बनाया गया कि कौन किस तरीके से व्यवहार करेगा। तो चाहे हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं हमारी, तो ये किस हिसाब से काम करेंगी, वही सारी चीज़ों का इसमें क्या किया गया, संलग्न किया गया, सारी बातों का इसमें क्या किया गया, इंसर्ट किया गया, किस हिसाब से सारी चीजें चलेंगी। तो ही कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट इज ए सेट ऑफ लॉ विच सेट अप द मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड विच डिफाइन द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एंड कंपोनेंट्स, यानी जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और कंपोनेंट्स, सरकार के बीच और लोगों के बीच कैसा संबंध रहेगा, कैसे उनके बीच सारी चीज़ों का चलन प्रचलन होगा, किस तरीके से वो सारी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, इन्हीं सब चीज़ों का इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया, किस हिसाब से सारी चीज़ें चलेंगी, कोई इसके दायरे से बाहर ना हो। देखिए अक्सर कहा जाता है ना, ये सब हमारा देश संविधान के आधार से चलेगा, ऐसा नहीं कोई अपनी मनमानी कर लेगा, कभी जो हमारी गवर्नमेंट रहती है या जो प्रेजेंट गवर्नमेंट रहती है, कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जैसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर से हो रही है, मतलब मनमानी तरीके से ट्रेनी टाइप हो रहा है कि आपका जो सत्ता में है, जो सरकार में है, जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, जनता के हक को छीन रहा है। तो कुछ लोग देखो बयानबाजी करते हैं या बताते हैं कि नहीं, हमारा देश संविधान के आधार पर चले जाते, यानी जो उसमें रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनमें जो चीजें निहित की गई हैं उनके हिसाब से चलेगा। तो ये इसमें कहा जा रहा है कि विच डिफाइन्स द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड द सेंटर एंड लोकल गवर्नमेंट, मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव्स हैं जो आपके नौकरशाह, या जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, या जो लेजिस्लेचर हैं, लोकसभा, राज्यसभा, जुडिशरी, पूरी तरीके से जितने कानून हैं, सारी चीज़ को एकदम सब एक तरीके से कोरिलेशन या कोरिलेट करके आगे बढ़ेंगे, इन्हीं सब चीज़ों का ही उसमें सारा वर्णन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो फिर आगे देखते हैं, ये तो हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, कब बना, कैसे बना, ये सब भी हम जान गए, लेकिन किन किस चीज़ों का कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं, अब ये देखने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे भी कौन कौन से कानून आए थे, उनका क्या योगदान है, तो ये सब सारी चीज़ें देखेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन कौन से चार्टर आए, कौन कौन से काउंसिल ऑफ एक्ट आए, इंडिया आए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए, इनको हम देखने की कोशिश करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब शुरुआत क्या हुआ कि जैसे हमने देखा 1600 में हमारी आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी, फिर एक अपना यहाँ पे राज करना स्टार्ट कर दिए, वो स्टैब्लिश हो गए, एक एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया, दीवानी की राइट्स मिल गई इनको 1765 में। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी, तो कंपनी का रूल ही एक तरीके से सेंट्रलाइज हमारे यहाँ उन्होंने कब्जा कर लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई आपकी पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वही सारी चीज़ें देखना कि वो कौन से एक्ट वगैरह लेके आते थे। तो सबसे पहले आता है आपका कंपनी रूल, दो चीज़ में, दो सेक्शन में डिवाइड है, कंपनी रूल
और एक है क्राउन रूल। तो कंपनी रूल उसको माना जाता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी 1773 से लेकर 1858, मतलब जो 1857 का रिवोल्ट हुआ उसके बाद आपकी पूरी पावर जो है उसको ब्रिटिश इंडिया ने अपने हाथ में ले लिया, तो उसके पहले की चीजों को कंपनी का रूल माना जाता है, यानी कंपनी द्वारा शासित किया गया। उसके बाद फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट सारे अपने हाथ में सारी पावर ले लेती है। तो उसके पहले के सारे जितने चार्टर एक्ट, काउंसिल एक्ट आए, तो वो सब आपके क्या किस नाम जानेंगे, कंपनी रूल के अंतर्गत। तो सबसे पहला जो आया था वो 1773 में आया था, जिसको कहा गया था द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसमें कौन कौन सी मेन मेन बातें कही गई थी ये देखते हैं। तो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप, इसके अंतर्गत ये देखने में मिलता है, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ये पहला स्टेप था एक तरीके से, जो देखा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरीके से कंट्रोल कर रही थी अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है ना, पहली बार ऐसे देखा गया। फिर उसके बाद द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी वर रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम, पूरे लार्ज लेवल पे फर्स्ट टाइम सारी चीजें देखी गई। ये पूरी तरीके धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती चली जा रही है, और ये पूरी तरीके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। पहले तो क्या होता था, कुछ हिस्सों में ये अपना कब्जा करके रखते थे, आज पूरी तरीके से सेंट्रलाइज वे में हो गए। तो ये सब सारी चीजें आफ्टर 1773 के बाद देखा गया। फिर क्या हुआ करता था, तो द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज डिजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले क्या था कि जो गवर्नर ऑफ जैसा प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी उस समय, तो बंगाल का एक गवर्नर था, उसके साथ साथ अलग अलग प्रेसिडेंसीज थी। तो अब गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बोल दिया गया, गवर्नर जनरल की पदवी दे दी गई। तो उसको कहा जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स वॉज क्रिएटेड असिस्ट द गवर्नर जनरल। 4 मेंबरों की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जो गवर्नर जनरल को असिस्ट करता। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के, गवर्नर जनरल क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। और वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ध्यान में रखिएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1773 एक्ट जो आपका रेगुलेटिंग है, मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे मद्रास सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो आपकी ये आपके गवर्नर जनरल हुआ करते थे यहाँ के बंगाल और मद्रास और यहाँ के, कौन कौन यहाँ पे हुए, आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड आपके गवर्नर जनरल ऑफ ये, इन दोनों को एसिस करने के लिए। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आपका एक तरीके से क्या हो गया, ज्यादा पावरफुल हो गया। मद्रास और बॉम्बे वाले क्या करेंगे, उनको असिस्ट करेंगे, मतलब एक तरीके से उसकी लेस पावरफुल हो गई इन कंपैरिजन टू आपके बंगाल के गवर्नर जनरल से। फिर क्या करता था, एक्ट प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता इन 1774। इस एक्ट के अंतर्गत एक सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया, जो कि आपका पहला कौन सा था, कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता तो किस एक्ट के अंतर्गत था, तो 1773 याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट कंप्राइज्ड एक चीफ जस्टिस होगा और 3 अदर जजेस होंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें किसके किसके उसमें थी, अंदर थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। तो ये सब क्वेश्चन इससे बनते हैं। अगला एक्ट देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट आता है। तो पिट्स इंडिया एक्ट का जो आता है वो किस ईयर में आता है, 1774। तो इसका मेन क्या था, मेन इसके पॉइंट्स क्या थे इस एक्ट के अंदर, पिट्स इंडिया एक्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। इससे क्या हुआ कि कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी का प्रावधान है इसके अंतर्गत, बताया गया कि दो चीजें होगी, कॉमर्शियल फंक्शन है पॉलिटिकल फंक्शन, और इसमें दो चीजों का क्या किया गया, गठन किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या देखेगा, कॉमर्शियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी देखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या देखेगा, पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो ये दो चीजें का स्टार्ट किया गया, तो इसी को ही कहा गया डुअल गवर्नमेंट। पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट एस्टेब्लिश डुअल गवर्नमेंट या डबल गवर्नमेंट, आपके एग्जाम में क्वेश्चन
पूछ सकता है। ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी काम क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम था, ये भी पूछ सकता है। द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, पहली बार ऐसा कहा गया कि पूरी तरीके से ब्रिटिश अधिपत्य में इंडिया आ गया है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश इंडिया एक्ट। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है, चार्टर एक्ट 1833। दिस इज द फाइनल स्टेप टुवार्ड्स द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया। अब एक तरीके से हमारा देश क्या हो गया था, पूरी तरीके से सेंट्रलाइज हो गया था, इसके अंतर्गत ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत एक तरीके से ये जो चार्टर एक्ट है ये पूरी तरीके से इस ये बताने की कोशिश कर रहा था कि दिस इज द फाइनल स्टेप टुवार्ड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ सिंगल अथॉरिटी, यानी पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में पूरी तरीके से पूरा टेरिटरी की पावर, पूरी टेरिटरी कब्जे में एक तरीके से हो गई थी, कि पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन आपका एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी सारी सब कुछ एवरीथिंग वो अपने कब्जे में ले लिया गया था। अब यहाँ एक नया चीज निकल के आया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल, अभी हम पीछे पढ़ रहे थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे जो, तो उसी तरीके से बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो कहलाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक नया क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की साइड के तहत बनना शुरू स्टार्ट हो गए आपके चार्टर है 1833 के हिसाब से, ठीक है। 1773 में तो गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अब जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब कौन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहला कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन सबको कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, अक्सर कन्फ्यूज करते हैं लोग इधर का उधर मार के चले आते हैं। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ सेंट्रलाइजेशन की बात होने लगी है ना पूरी तरीके से, तो पूरे होल इंडिया को रिप्रेजेंट करने लगे। दिस लॉ दैट मेड प्रायर टू द 1833 वर कॉल्ड रेगुलेशन, यानी वो एक्ट, वो चीजें, वो लॉ जो पहले 1833 के पहले जो बनते थे उनको रेगुलेशन के नाम से जाना जाता था। देखो देखो ब्रिटिश इंडिया एक्ट से पहले रेगुलेटिंग एक्ट का नाम था, ये सब था, रेगुलेशन के नाम से था। लेकिन अब द लॉ दैट वर मेड अंडर 1833 चार्टर, अब उनको क्या कहा जाने लगा, एक्ट कहा जाने लगा, ठीक है ना, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल गवर्नमेंट वॉज नोन एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। द काउंसिल वॉज नोन एज, जो काउंसिल बनी थी वो क्या कहलाने लगी, इंडियन काउंसिल के नाम से जानी जाने लगी। फिर आगे इसमें क्या था, दिस एक्ट अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट, इसमें बात की गई थी ना कि स्टार्ट किया गया था, अटेम्प्ट मतलब एक तरीके से होता नहीं, इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही थी, दिस वॉज अटेम्प्ट नॉट, ओपन नहीं किया गया था, आगे के जो चार्टर एक्ट आएगा उसमें खोल दिया गया था कि एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगला चार्टर एक्ट हमारा क्या था, 1853 का चार्टर एक्ट था, तो इसके अंतर्गत था क्या था, दिस वॉज द लास्ट चार्टर एक्ट पास बाई द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो 1793 से लेकर 1853 के बीच का ये लास्ट चार्टर था। कौन सा चार्टर, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। दिस एक्ट क्रिएटेड अ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके अंतर्गत क्या था, एक लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक प्रावधान था। लेजिस्लेटिव काउंसिल फंक्शनड एज मिनी पार्लियामेंट, ये काम कैसे करता था, मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करता था। अगला क्या है, चार्टर एक्ट 1853 इंट्रोड्यूस, जो मैंने देखो पीछे बात कर रहा था, ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, वहां पर मतलब प्रावधान किया गया था, अब यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है ना। दिस वॉज ऑल्सो ओपन टू इंडियन, भारतीय के लिए पहले पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन था, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, अब क्या हो गया, यहाँ पे इंडियंस भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिए, इंडियंस वर परमिटेड टू टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जाकर वहां पर एग्जाम देना पड़ता था। अकॉर्डिंग टू मेघालय कमेटी, कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्वेंट जो बनी थी, अपॉइंट की गई 1854 में, एग्जाम में आपके पूछ लेता है कि मेघालय कमेटी कब बनी, 1854 में, किस पर्पज के लिए थी, इंडियन सिविल सर्विस के बारे में, कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, बनता है। और ये जो सिविल सर्विस की बात हो रही है, सिविल सर्विस एग्जाम की, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले इंसान थे जिन्होंने ज्वाइन किया था सिविल सर्विसेज को, ठीक है ना। बाकी कई सारे ऐसे हमारे
यहाँ के बुद्धिजीवी लोग थे जो इस एग्जाम को पास करना पहले बहुत कठिन था। 21 साल 18 साल तो हाईएस्ट एज हुआ करती थी, वहाँ पे जाके पेपर देना पड़ता था। यहाँ के लोगों के लिए और ज्यादा कठिन पेपर हुआ करता था। तभी सोचो ये लोग कितने खतरनाक लोग थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर वगैरह हो गए, बाकी सूर्यनाथ बनर्जी का नाम सुना होगा आपने, सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा, इन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया था। सुभाष चंद्र बोस तो पूरी इनकी फोर्थ रैंक आई थी उस एग्जाम में। इनके पिताजी कहे थे तुमसे ना हो पाएगा, तो फिर नहीं कर पाओगे जाके, लेकिन इन्होंने बीट कर दिया, लेकिन ज्वाइन नहीं किया इन्होंने सर्विस को। बस ये अपने पापा का सपना पूरा कर, सपना है जैसे इनके पिताजी बोले थे तुम कर तो पाओगे नहीं, फालतू में तुम सब कर रहे हो, नेतागिरी वाला काम कर रहे हो। इन्होंने पास होकर दिखा दिया था, फोर्थ रैंक आई थी। उनके पिताजी उनको अपनी वॉच दे दिए थे, घड़ी दे दिए थे गिफ्ट के तौर पर। तो द क्राउन रूल, अब ये तो पीछे चल रहा था इन आपका क्या था कंपनी का रूल। तो अब जब 1857 की लड़ाई हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसके बाद ब्रिटिश वाले गए यार ये लोग तो कंपनी वाले वहां पे जाके बड़ा बवाल कर दिए, तो इनसे पूरी तरीके से सारी पावर जो है अपने हाथ में ले ली महारानी वहां की। तो अब उसको कहा जाने लगा, अब पूरी तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट ले लिया, तो उसको क्राउन रूल कहा जाने लगा। तो फिर वहां से जो सारी उसके बाद एक्ट सब सारी चीजें बनी 1947 टिल द सिलेक्शन टिल द इंडिपेंडेंस, ये सब क्या हो गए, क्या बोले लगे क्राउन रूल। और फिर क्या आया 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, इसके अंतर्गत क्या चीजें हुई। दिस एक्ट केम इन इफेक्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, उसी का परिणाम था। इट इज टू द टोटल हेड ऑफ द कंपनी, पूरी तरीके से कंपनी खत्म कर दी गई, एंड द पावर कंप्लीटली केम टू वेस्टेड विद द ब्रिटिश क्राउन, यानी ब्रिटिश के पास सारा पावर चला गया। इट प्रोवाइड फॉर द फर्स्ट टू गवर्न बाई द ब्रिटिश क्राउन थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव वॉज कॉल्ड द वायसराय, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था, अब क्या हो गया एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव वायसराय बना दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो आपके देखे होंगे ब्रिटिश इंडिया एक्ट में जो पढ़ा, वो पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और फिर एक नया चीज स्टार्ट किया गया, न्यू ऑफिस जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज क्रिएटेड विद 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट हिम, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का गठन किया गया, जो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, वो गठित किया गया। वो 15 मेंबर काउंसिल जो कि असिस्ट करेगा यहाँ पे आके आपके गवर्नर जनरल। ये सब चीजें किसके अंतर्गत आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत आई। अगला आया हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इसके अंतर्गत क्या चीजें मिली, तो वायसराय ऑफ इंडिया वो नॉमिनेट इंडियंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि पहले ऐसा नहीं थे, इसमें सारे आपके कौन हुआ करते थे ब्रिटिश के लोग हुआ करते थे। अब वायसराय ऑफ इंडिया क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता था लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को, ठीक है ना। इन द ईयर 1862 तो लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में, जो कि पहले वायसराय थे, लॉर्ड यहाँ पे देख क्वेश्चन बन, दो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, हुआ द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड कैनिंग। अब वही उसी के बाद फिर हमारा जब क्राउन खत्म हो गया, क्राउन आ गया आपका, ये कंपनी रूल खत्म हो गया, तो वही वही लॉर्ड कैनिंग को क्या बना दिया गया, वायसराय। तो यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं, हुआ द लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, हुआ द फर्स्ट वायसराय लॉर्ड कैनिंग, तो ये चीजें याद रखिएगा, ठीक। चलिए, तो यही लॉर्ड कैनिंग साहब ने 1862 में नॉमिनेट किया आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर के लिए, राजा के जो बनारस के राजा थे उनको, एंड महाराजा पटियाला एंड सर दिनकर राव टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, तीन लोगों को नॉमिनेट किया गया। दिस एक्ट रिस्टोर्ड द पावर ऑफ बंगाल एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो बंगाल और उसकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पावर को क्या कर लिया गया, इस एक्ट के द्वारा रिस्टोर कर लिया गया। द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल वॉज क्रिएटेड इन द ईयर 1862, 1862 में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया बंगाल में। फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी बनाया गया यहाँ पर भी 1866 में, यहाँ बंगाल में 1862 में, सबकी आपको ईयर याद करना पड़ेगा। और पंजाब में कब बनाया गया, 1897, ठीक। लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस पोर्टफोलियो सिस्टम, हु वाज इंट्रोड्यूस पोर्टफोलियो सिस्टम, लॉर्ड कैनिंग, ध्यान में रखिएगा कब किया गया, 1859। पोर्टफोलियो सिस्टम होता है मतलब आपके जो डिपार्टमेंट है कैसे किसको पद का डेजिग्नेट किया जाएगा। दिस एक्ट ऑल्सो एम्पावर द वायसराय टू इशू ऑर्डिनेंस, यानी किसी चीज का कोई घोषणा या कोई चीज इशू करना हो अगर वायसराय को, तो इसी की एक्ट के अंतर्गत उसको ये
पावर मिली, तो पूछ सकता है किस काउंसिल एक्ट के द्वारा ऑर्डिनेंस की पावर उसको इश्यू करने का अधिकार मिल गया, तो 1861 के अंतर्गत ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें थी, तो नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर वॉज इंक्रीज द बोथ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, चुनाव मेंबर ऑफिशियल मेंबर थे उनको बढ़ा दिया गया, कहाँ पे, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर की संख्या बढ़ा दी गई। फिर दूसरा पॉइंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल पावर वॉज इंक्रीज सो दे कुड डिस्कस द बजट, अब पावर वगैरह सारी चीजें बढ़ गई, तो अब क्या हो गया, बजट वगैरह पे भी क्वेश्चन वगैरह, पहले क्या था ये सब अधिकार नहीं था, बजट पे क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछ सकते थे, तब ये पावर भी मिल गई इस एक्ट के अंतर्गत। अगला देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, इंपॉर्टेंट है, दिस वाज आल्सो नोन एज मार्ले मिंटो रिफॉर्म, या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मार्ले मिंटो सुधार किस काउंसिल एक्ट के अंतर्गत आया, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के अंतर्गत। फिर इसमें और क्या क्या चीजें हुई, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। फिर और क्या चीज मिला इसमें देखने को, एन इंडियन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वॉज इंक्लूडेड इन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम, क्वेश्चन पूछता है कि आपके वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कौन हुए फर्स्ट टाइम, तो सत्य इंडियन थे, कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा साहब थे। सेपरेट इलेक्ट्रेट वॉज गिवन टू मुस्लिम्स, इसमें सेपरेट इलेक्ट्रेट की बात की, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है किस एक्ट के अंतर्गत सेपरेट इलेक्ट्रेट की बात की गई, तो आप क्या बताओगे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है ना। अब इसमें सेपरेट इलेक्ट्रेट क्या था कि मतलब जिस एरिया में जब आपका चुनाव वगैरह होगा तो जो मेंबर होगा जो खड़ा होगा उसको मुस्लिम वोटर्स ही उसको वोट देने का अधिकार दे दिया गया, तो इसकी बड़ा वो हुआ था, लोग विरोध किए थे। मिंटो वाज रिगार्डेड एज फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्ट्रेट, ठीक है ना, कम्युनल इलेक्ट्रेट के फादर इसको बोला जाता है लॉर्ड मिंटो, क्योंकि इन्होंने ही इसके अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया था। अगला आता हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको ऑलरेडी बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से, जैसे उसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं, इसके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये दोनों क्या हुआ करते थे आपके आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और आपके एक गवर्नर जनरल, द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स वर इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेचर, ठीक है ना, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लिस्ट आपका इंट्रोड्यूस हुआ लेजिस्लेचर में। फिर ये फाइनली प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू दो चीजों में डिवाइड किया गया, ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक है ना, प्रोविंशियल सब्जेक्ट। फिर क्या आगे इसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज बाइफर्केटेड इनटू अपर हाउस जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं, लोअर हाउस जिसको हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली, बाद में ये चीजें आपकी लोकसभा राज्यसभा के लोग रूप में आगे कन्वर्ट हुई। सेपरेट इलेक्ट्रेट वॉज एक्सटेंडेड टू सिख क्रिश्चियन एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन, इसका मुस्लिम को मिला था, यहाँ पे भी एक्सटेंड करके बढ़ा दिए गए इन लोगों के लिए भी, तो ये किसी सारी चीजें किसके अंतर्गत आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत। सारी चीजों को अच्छी तरीके से एक बार बढ़िया से रिवाइज भी करना होगा आप लोगों, ताकि सारी चीजें आपके एग्जाम पूछे किस एक्ट के अंतर्गत कौन सी चीजें थी, ये चीज किस एक्ट के साथ थी, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बहुत इम्पॉर्टेंट है इसका, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे संविधान में मिली गई हैं। द पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट वर डिवाइडेड इनटू फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, इसमें तीन लिस्ट का प्रावधान किया गया, इसमें हर लिस्ट में क्या 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 थे, वो लिस्ट मतलब क्या होते हैं कि किसको कौन सी चीज़ पे कानून बनाने का अधिकार है, फेडरल लिस्ट मतलब आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट, और ये दो दोनों मिलके जो बनाएंगी वो कॉन्करेंट लिस्ट में रहेगा, तो सबके लिस्ट में अपनी अपनी वो चीज़ें जिस पे कानून बना सकते हैं उनकी पूरी लिस्ट सौंपी गई। डायरेक्टी वॉज एबॉलिश्ड इन द प्रोविंसेस, जो कि प्रोविंसेस में डायरेक्टी स्टार्ट की गई थी 1919 एक्ट के अंतर्गत, तो वो यहाँ पे क्या कर दी गई, एबॉलिश कर दी गई। डायरेक्टी वॉज अडॉप्टेड एट द सेंटर, सेंटर पे सेंटर लेवल पे स्टार्ट की गई थी विद द ट्रांसफर एंड रिजर्व सर्विस के द्वारा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेजिस्लेचर ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि अब यूपी पूर्व बाद में बन गया, यहाँ पे क्या कर दिया गया, बाइकैमरलिज्म स्टार्ट कर दिया गया। प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीआई, आरबीआई की स्थापना करने की भी बात की गई, जो कि आर्टिकल
आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत आरबीआई का गठन किया गया, कब? 1 जनवरी 1935, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आखिरी एक्ट 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो इसके अंदर क्या सारी चीजें थी, प्रोवाइडेड इनएक्टमेंट टू द माउंटबेटन प्लान ऑफ 3 जून 1947, ठीक है ना। माउंटबेटन प्लान आया 3 जून 1947, जिसमें कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को डिक्लेयर कर दिया, ब्रिटिश रूल डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी इंडिपेंडेंट। ओके, प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भी पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ, उसके बाद नहीं रोक पाए एक दूसरे को, क्योंकि भाई वही था, मुस्लिम मेजोरिटी उधर चाहता था हमारा देश अलग हो, सारी चीजें, उसमें बड़ी राजनीति हुई, फाइनली इंडिया को दो देश में बंटना पड़ा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। फिर ऑफिस ऑफ वायसराय वाज अबॉलिश्ड एंड टू डोमिनियंस वर टू बी हैव गवर्नर्स। आपकी जो आप लॉर्ड माउंटबेटन थे, इसमें ऑफिस खत्म कर दिया गया वायसराय का, फिर उसके बाद आपके गवर्नर जनरल बना दिए गए, आपके उधर पाकिस्तान के अलग, यहाँ पे अलग। तो कौन से हुआ था फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, क्या नाम था उनका? सिराज गोपालाचारी, ठीक। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ द टू डोमिनियंस वर टू हैव द पावर इज फॉर द रिसेप्टिव टेरिटरीज। तो दीज वर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो ये सब सारी चीजें हमारी क्या थी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के सारी एक्ट्स, इनके मदद से कई सारी चीजें इंसर्ट की गई हमारे आपके संविधान में। अब इससे रिलेटेड कौन कौन से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट बनेंगे उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। बाकी सब सारी चीजें आप अगर पढ़ लेंगे तो जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे आप आराम से कर लोगे, ठीक है। 90+95+ क्वेश्चन। चलिए अब इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके आ रहा है, जिससे हमने रेगुलेटिंग एक्ट देखो पढ़ा, उसी पे क्वेश्चन यहाँ बना हुआ है, कि पूछा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इनमें से कौन से 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के फीचर्स थे? तो जैसा कि हमने देखा, इट इज प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सही बात। इट क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, तो भी सही बात है। इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, ये भी सही बात है। प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये भी बात सही है कि अब वो क्या हो गए, उनकी पावर को लेस कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की शक्तियां बढ़ा के उसको असिस्ट करना या सबॉर्डिनेट बना दिया गया, ये भी बात सही है। इट इस्टेब्लिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द मैनेजिंग कॉमर्शियल अफेयर्स, ये बात गलत है क्योंकि किसमें था? पिट्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट में था। तो सही जवाब क्या होगा, पहला, दूसरा और तीसरा, एनी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आई बात। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स आर करेक्टली मैच टू द देयर पोर्टफोलियो इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है ना। पहली कैबिनेट जो थी फ्री इंडिया की, उनमें से कौन से करेक्टली मैच है? तो सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, ये भी सही बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया, ये भी सही बात है। लेकिन डॉक्टर जॉन मैथी फाइनेंस बनाई, ये गलत बात है। तो सही जवाब क्या है, पहला और दूसरा। आपके लिए पूरी तरीके से ये लेके मैं इसमें ऐड कर दिया हूँ कि पूरा कैबिनेट ही आपके पास, इसमें आप पूरा सब कुछ देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू क्या बनाया गया प्राइम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ये सब सारी चीज़ें, पटेल साहब को क्या बनाया गया होम अफेयर्स, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर था देखो पीछे, मौलाना अबुल कलाम आजाद को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, एग्जाम पूछा जाता हुआ द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट किसको दिया गया? जॉन मथाई को, फाइनेंस शेट्टी साहब को, भीमराव अंबेडकर को पहला लॉ मिनिस्टर बनाया गया, लेबर इनको बनाया गया, जगजीवन राम को, बलदेव सिंह को डिफेंस बनाया गया। तो सारी पूरी लिस्ट आपके सामने, सबको पढ़ना भी जरूरत, एग्जाम में पूछ लेगा मेरे द फॉलोइंग में, तो आपको बताना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द माले मिंटो रिफॉर्म। माले मिंटो रिफॉर्म 1909 में जो आया था आपका, उसके रिगार्डिंग पूछ रहा सारी चीजें। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, क्या ये सही है? फिर उसके बाद बोला द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट, तो इसमें से सही, तो आपका क्या है, दोनों एक तरीके से सही जवाब, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज पास्ड इन 1858, ये भी सही बात है। जवाब आपका 1857 के बाद क्या हो गया था, क्राउन का, क्राउन
का स्टार्ट हो गया था, सारी शक्तियां उसने ले ली थी, कंपनी का रूल खत्म हो गया था, तो इसी को कहा गया था एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट, ठीक है ना। फिर उसके बाद लॉर्ड डलहौजी बिकेम द फर्स्ट वाइस राय, क्या पहले वाइस राय थे? नहीं, पहले वाइस राय किसके उन्होंने वो बात किया था, वॉज दैट लॉर्ड कैनी। तो सही जवाब क्या आपका हो जाएगा, ओनली वन इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, हुआ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया, पहला गवर्नर जनरल कौन था हमारे देश का? तो लॉर्ड माउंटबेटन वाज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल, ये आपके देश के आजाद हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब माउंटबेटन हट गए तो हमारे इंडियन गवर्नर जनरल बना दिए गए, तो वो सी राजगोपालाचारी इंडियन थे जो कि गवर्नर जनरल थे, लेकिन फर्स्ट गवर्नर जनरल आपके क्या थे आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना। फिर देखते हैं, द इनिशियल आइडिया ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिट प्रिंसिपल कैन बी ट्रेस टू द, तो मेरिट रिक्रूटमेंट क्या था, किसके सर था, जो सिविल सर्वेंट्स की बात हुई थी, तो मैकाले कमेटी, ठीक है ना, मैकाले कमेटी के अनुसार था। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द रूल्स मेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज द डिवोल्यूशन रूल, डिवोल्यूशन रूल के नाम से भी किसको जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज ऑल्सो नोन एज डिवोल्यूशन ऑफ रूल्स ऑफ द ब्रिटिश। इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश बाय द एक्ट ऑफ 1935, रेसिडरी पावर्स वर गिवन टू द, रेसिडरी पावर मतलब जो एक तरीके से रेसिडरी एक्सक्लूसिव पावर होती है, किसके अंदर हुआ करती थी? गवर्नर जनरल के अंदर, ना कि फेडरल प्रोविंशियल या प्रोविंशियल गवर्नर के पास, गवर्नर जनरल जो सबसे बड़ा हेड हुआ करता था। अगला, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज बेस्ड अपॉन, किस पे बेस्ड था आपका? 1919 माले सॉरी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पे था, ठीक है, जो कि 1919 में आया, ठीक है ना, इसी के आधार पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का गठन किया गया था। राशि में आ गई, वेरी गुड। अंडर विच आर द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द कम्युनियल इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कम्युनियल इलेक्टोरेट की बात कब कैसे की गई, सेपरेट इलेक्टोरेट जो मैंने बोला था उसी को कम्युनियल इलेक्टोरेट, यानी मुस्लिम मेंबर ही मुस्लिम आपके जो खड़ा होगा प्रत्याशी उसी को ही वोट दे सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 1909 या पार्लियामेंटो सुधार जिसको बोला गया था, हुए अमंग द फॉलोइंग वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द इंटरिम गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1946-47, कौन था आपका फाइनेंस मिनिस्टर? तो अभी आपने देखा तो हुआ दैट आर के शंखम शेट्टी साहब, ठीक है ना, कौन से पहले फाइनेंस मिनिस्टर इंटरिम गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1946-57 के? शंखम शेट्टी साहब। चलिए अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, कौन सा एक्ट था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या आपका 1784, 1871 का काउंसिल एक्ट या 1892 का काउंसिल एक्ट? सही जवाब आपका क्या होगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वॉज द एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ठीक है ना। पूरी तरीके से सेंट्रलाइजेशन किसमें हुआ था पीछे आप देख लीजिएगा, सारी चीजों को पता चल जाएगा, ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, सबसे पहले फजला लॉ मिनिस्टर किसको बनाया गया था? तो आपके दिमाग में आ ही जाएगा, लॉ के सबसे बड़े, कानून के सबसे बड़े ज्ञाता कौन हुआ करते थे? बी आर अम्बेडकर साहब, पूरी तरीके से ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, लॉ मिनिस्टर पहले थे, तो इनका पूरा एक तरीके सा भौकाली था, सबसे बुद्धिमान आदमियों में से एक सर। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सत्येंद्र सिन्हा जी की बात हो रही थी जो कि पहले लॉ मेंबर थे गवर्नर जनरल के काउंसिल, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मोनोपोली ऑफ द इंडियन ट्रेड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबॉलिश्ड बाई द, किसके द्वारा एबॉलिश कर दिया गया? आर्टिकल कौन सा था? रेगुलेटिंग 1773, चार्टर 1813, चार्टर 1833, 1858, ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडियन ट्रेड रूल, इंडियन ट्रेड खत्म कर दिया गया चार्टर एक्ट 1813 के हिसाब से, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने बोला सबसे बिगेस्ट सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मैक्सिमम पॉइंट्स यहीं से उठाए गए थे। तरीके से इसको 75% वेटेज कहा जाता है, यहीं से पूरा इसका, ठीक है ना, उसी के हिसाब से चलता, बाकी हर एक पॉइंट किसी किसी हिसाब से लिया गया था। तो दिस इज ऑल अबाउट द टोटल आपका बेसिक्स, मैंने सारी चीजें चर्चा कर दिया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, फिर उसके बाद हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन पर भी चर्चा कर दिया, फिर आगे आने वाले समय में हम लोग इस पे टॉपिक्स पे लेके आएंगे फ्रॉम द कहाँ कहाँ से किस किस देशों से किस किस आर्टिकल्स का इंसर्ट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जैसे कि हमने बताया बी आर अम्बेडकर दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े, फिर उससे जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई वो क्या किए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किए, जैसे अमेरिका से क्या चीज़ें लिया, आयरलैंड से क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, ब्रिटेन से क्या लिया, दुनिया के हर देशों को पढ़ा उन्होंने, दुनिया के हर देशों को पढ़ा और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हमारे यहाँ इंसर्ट किया ताकि कोई कमी ही ना रह जाए आगे किसी चीज़ को गड़बड़ में। समय के साथ साथ चीज़ें बदलती गई तो अमेंडमेंट्स भी होना जरूरी है, क्योंकि आज जो समय चल रहा है आज के 10 साल बाद 20 साल बाद सारी चीज़ें बदल जाएंगी, तो उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, उसको भी एक देश से लिया, देखेंगे किस देश से बोरोइंग किया उन्होंने अमेंडमेंट्स वाला सिस्टम, तो ये सब सारी चीज़ें थी। अमेरिका का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, इतना बड़ा देश था, आपको जान के लगेगा ही कितना बड़ा देश है, तो ढेर सारे आर्टिकल्स होंगे उसके संविधान में, आपको जान के आश्चर्य होगा कि अमेरिका जैसा इतना बड़ा सुपर पावर, इतनी बड़ी कंट्री, उसके संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, ओनली 7 आर्टिकल्स हैं। हंसी आ गई होगी, कोई बात नहीं, सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं उसके संविधान में। हमारा देश जब बनके तैयार हुआ तो उस समय हमारे हमारे संविधान में 395 ओरिजिनल आर्टिकल्स थे, अब तो मोर देन 448 लगभग इतने आर्टिकल्स पहुंच चुके हैं। तो धीरे धीरे समय बढ़ता गया, सारी चीज़ें कट डाउन होती गई। तो एक तरीके से सारा चीज़ हमारा पहला टॉपिक पे था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स पे। आने वाले समय में हम डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे, नंबर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ताकि सारी चीज़ों को हम कवर करते चलें, आप पूरी तरीके से अच्छी समझ आपकी पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पे हो जाए, ताकि एग्जाम में किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आए तो अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सारी चीज़ों को आप रिवाइज कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी उसको भी आप पढ़िए, नंबर आप क्वेश्चंस को कीजिए, सारे जो हमने डिस्कशन किया उनको भी देखिए सारी चीज़ों को फिर से, ताकि वो चीज़ें भूले ना और याद रहे। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।